बाघ को अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर माना जाता है, जिसके शरीर पर काली धारियां उसे घात लगाकर शिकार करने में मदद करती हैं। वैसे भी बाघ एक कुशल शिकारी है। भारतीय बाघ जैसे बड़े शिकारी जीव को खुले जंगल में देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। उसके शक्तिशाली पंजे और बड़ा भारी शरीर देखने में बेहद ही खूबसूरत और खतरनाक दिखाई देता है, जिसे खुले में देखना वाकई किसी रोमांच से कम नहीं है। भारत में ऐसे कई टाइगर रिजर्व पार्क हैं जहां जानवर खुले में और इंसान गाड़ियों में बंद होकर घूमते हैं। ऐसे पार्क का उद्देश्य होता है जानवरों को आजादी महसूस कराना और साथ ही पर्यटकों को जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के जीवन के बारे में करीब से जानकारी हासिल हो सके व खुले में जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में जान सके। लेकिन क्या यह सुरक्षित है? इसका जवाब आपको रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए हम चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां कुछ पर्यटक रोमांच का मजा लेने जंगली जानवरों के बीच पहुंचे थे। तभी उनके साथ क्या हुआ? वैसे तो जितने भी वन्यजीव प्रेमी जो जंगल में जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, उनकी दिली तमन्ना होती है कि वह बाघ या शेर सफारी के दौरान जरूर देखें। बहुत से लोगों की यह तमन्ना पूरी भी होती है, लेकिन जंगल सफारी के दौरान कुछ के साथ ऐसे रोमांच हुए हैं जो कभी उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे और ना कभी इस रोमांच भरे जंगल सफारी को भूलेंगे। जंगल में एक वनकर्मी हाथी पर सवार होकर जंगल का चक्कर लगा रहा था, तभी वह बाघ की टेरिटरी में पहुंच गया और बाघ भी आक्रामक हो गया और उसने हाथी पर ही हमला बोल दिया। लेकिन वह हाथी के एक्टिव हो जाने के कारण नाकामयाब रहा और बाघ पीछे हट गया। लेकिन बाघ फिर पलटा और उसने हाथी पर हमला किया। तब हाथी जोर से चिल्लाया और बाघ की ओर बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह नहीं पता, क्योंकि कैमरा बंद हो गया था। वो तो उस वनकर्मी की किस्मत अच्छी थी कि वह हाथी पर सवार था, नहीं तो इतने आक्रामक बाघ के सामने उसका क्या होता, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं दूसरी क्लिप में कुछ विदेशी पर्यटक जंगल में घूम रहे बाघ की तस्वीरें ले रहे थे और बाघ भी धीरे धीरे उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था और विदेशी पर्यटक बाघ के नजदीक आते देख और तस्वीरें लेने लगे। तभी बाघ ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। वह तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह सभी जीप में थे, वरना बाघ उनको जंगल की सैर करा देता। ऐसा ही एक और शानदार नजारा उस वक्त कैमरे में कैद हो गया जब एक बाघ जंगल में पगडंडी पर टहल रहा था और उसके आगे पीछे जीप में पर्यटक धीरे धीरे गाड़ी में चलते हुए उसकी खूबसूरत तस्वीरें ले रहे थे। लेकिन गाड़ी कुछ ज्यादा ही धीरे हो गई और बाघ थोड़ा नजदीक आ गया। तभी बाघ को लगा मौका अच्छा है और उसने आगे चल रही जीप पर हमला कर दिया, लेकिन ड्राइवर की समझदारी से सभी लोग सुरक्षित बच गए। इसी नेशनल पार्क में एक और वीडियो रिकॉर्ड की गई, जहां कुछ लोग खुली जिप्सी में जंगल सफारी का आनंद लेने और जंगली जीवन को जानने के लिए निकले थे। तभी उन्हें एक बाघ दिखाई दिया और वह गाड़ी खड़ी करके बाघ को देखने लगे और उसका वीडियो बनाने लगे। तभी बाघ गाड़ी के बेहद नजदीक आ गया और गाड़ी को सूंघने और जानने की कोशिश करने लगा। गाड़ी में बैठे सभी लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बाघ का पेट भरा हुआ था, नहीं तो उसके 3 से 4 दिन के खाने का इंतजाम तो हो ही गया था। लेकिन जो भी हो, गाड़ी में बैठे लोगों को यह सफारी जीवन भर याद रहेगी। वहीं एक और क्लिप देखिए, जहां जंगल सफारी पर गए कुछ लोग एक पगडंडी पर अटक गए, क्योंकि उस पगडंडी के पास एक बाघ बैठा था और दोनों तरफ गाड़ियां थी। तभी बाघ को हटाने के लिए हाथी को बुलवाया गया, लेकिन जब हाथी वहां आया तो गाड़ी में बैठे पर्यटकों को एक रोमांचित कर देने वाली वीडियो बनाने का मौका मिल गया। हुआ कुछ ऐसा कि बाघ ने हाथी पर हमला कर दिया। हालांकि हाथी के आगे बाघ का हमला असफल होना ही था, लेकिन यह दृश्य काफी रोमांचित कर देने वाला था। वहीं ऐसी ही एक परेशानी और आई, जहां बाघ का एक झुंड बीच रास्ते में बैठा छांव का आनंद ले रहा था। तभी वहां मौजूद कुछ पर्यटक उन्हें निहार रहे थे।
तभी उन पर्यटकों की गाड़ी चला रहे वनकर्मी गाड़ी से उतरकर बाघ के झुंड में कितने बाघ हैं यह देखने का प्रयास करने लगे। लेकिन बाघ को यह अच्छा नहीं लगा और उसने वनकर्मी पर दुड़की लगा दी, जिससे घबराए वनकर्मी गाड़ी की ओर भागा और गाड़ी में मौजूद पर्यटकों के चिल्लाने से बाघ वापस जंगल के अंदर चला गया। दोस्तों, यह फुटेज सुंदरवन नेशनल पार्क में फिल्माई गई है, जहां एक बोट पर 7 वनकर्मी मौजूद थे और नदी के किनारे जाल लगाकर रॉयल बंगाल टाइगर को किनारे से दूर करना चाहते थे, क्योंकि यह एक कुशल तैराक होते हैं और अक्सर तैर कर आगे निकल जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर को बोट पर मौजूद वनकर्मियों को अपनी टेरिटरी में देखकर गुस्सा आ गया और तब देखने को मिला रॉयल बंगाल टाइगर का रुद्र रूप। वह तो गनीमत रही कि यह सभी किनारे से उचित दूरी पर मौजूद थे, वरना रॉयल बंगाल टाइगर का ऐसा खतरनाक रूप देखकर कैमरामैन भी घबरा गया। लेकिन इन लोगों की काफी तारीफ करना होगी, क्योंकि यह ऐसा रुद्र रूप देखकर भी नहीं डरे बल्कि अपना काम करते रहे। तो दोस्तों, आपको इन सभी वीडियो क्लिप में से कौन सी वीडियो सबसे खतरनाक और रोमांचकारी लगी? साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।